तो नमस्कार प्यारे साथियों साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरएसएसबी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिट मेंस लेवल फर्स्ट का जो है परिणाम, परीक्षा परिणामों का टॉप जो है वो जारी कर दी गई है, और लेवल द्वितीय लेवल टू जो है थर्ड ग्रेड उसका एसएसटी का जो सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान की जो कट ऑफ रिजल्ट है, जो कट ऑफ मार्क्स है, वो भी 2 जून को जारी कर दी गई है। और उसमें दिव्यांगों की कट ऑफ कितनी रही है आप सभी ने देख ली होगी और एक अच्छी खासी जो है आसमान छू रही है। अब आपको बता दें साथियों कि इसके जस्ट यानी इसके नेक्स्ट जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग जो है वो जो है रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है, रिजल्ट घोषित करने वाला है, वो करने वाला है लेवल 2 साइंस मैथ का, जो कि आज सोमवार है। और आज सोमवार से लेकर रविवार के बीच इन 7 दिनों के अंदर अंदर कभी भी आपके लेवल 2 साइंस मैथ गणित विज्ञान का परीक्षा परिणाम जारी हो सकता है। वो जैसे ही जारी होगा तो सबकी नजर मेरे हिसाब से जो दिव्यांग भाई है उनकी, मतलब जो अपनी कैटेगरी से संबंध रखते हैं उनकी कैटेगरी पर कट ऑफ जाने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिव्यांग कट ऑफ जो है साइंस में गणित विज्ञान में कितनी रहने वाली है, 2 गुणा में भी बात करेंगे और फाइनल में भी बात करेंगे, यानी कि कितने मार्क्स पर हो जाएगा चयन, कितने मार्क्स पर हो जाएगा, ये हम कैटेगरी वाइज चारों जो कैटेगरी है दिव्यांगों की उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और साथियों ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया जो हाँ वो बता दिया ठीक है वापस बता दिया, मतलब ये एक अनुमानित कट ऑफ है। और जैसे कि मैंने आप पिछले एक वीडियो में बताया था कि रीड लेवल फर्स्ट कितनी रहेगी तो उतनी ही रही, मतलब जहां तक मेरे अनुमान जो कह रहा है वो ही रहने वाली है और ये भी यही रहेगी मेरे हिसाब से, देखना थोड़ी और कम रह सकती है लेकिन ज्यादा तो नहीं रहने वाली है जो मैंने कट ऑफ ली है। तो देखते हैं हम रीड लेवल 2 साइंस में दिव्यांगों का अनुमानित कट ऑफ की, ठीक है ना, और रिजल्ट इस सप्ताह आ जाएगा। देखिए साथियों इधर जो मैंने नंबर लिख रखे हैं एस आर नंबर मतलब 4 कैटेगरी है दिव्यांगों की आप जानते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक कैटेगरी को 1% आरक्षण दिया गया है। इधर मैंने कैटेगरी का नाम लिख रखा है, इधर 2x यानी 2 गुणा में कितनी रहने वाली वो लिख रखा है, और इधर फाइनल जो अंतिम मेरिट रहने वाली वो लिख रखा। तो इस तरह से आप इस बॉक्स को समझ सकते हैं, फिर हम बात करते हैं ना। साथियों सबसे पहले अगर हम कैटेगरी की बात करें तो BLLV यानी जिनको आंखों से प्रॉब्लम जो दिव्यांग है, BLLV ब्लाइंड और लो विजन जो दिव्यांग कैटेगरी से हैं, है ना, उनके अगर हम 2 गुना की बात करें जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 100 नंबर से लेकर 105 नंबर। जी हाँ साथियों 100 नंबर से 105 नंबर, ये मतलब ये जो एक क्वेश्चन नहीं है ये मार्क्स है कि 100 नंबर से लेकर 105 नंबर यदि आपके BLLV कैटेगरी में बन रहे हैं तो 2 गुना में, और 110 से लेकर 112 बीच के यानी 110 से लगाकर 112 नंबर के बीच यदि आपकी इस कैटेगरी से नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 110 से लेकर 112 नंबर आपके चाहिए किसी भी हालत में, है ना। अब बात करते हैं हम एचआई की, हेयरिंग इंपायरमेंट, है ना, श्रवण बाध्यता जो दिव्यांगता आते हैं उनकी बात करें तो 80 से लगाकर 85 नंबर, कितने नंबर, 80 से लगाकर 85 नंबर, तो आपके 2 गुना में हो जाएगा। उसके बाद 85 से लगाकर 95 नंबर आपके बन रहे थे, ये 95 से ऊपर भी हो सकते हैं, ऊपर कोई खतरा नहीं है, ऊपर तो चाहे आप 300 में से 300 होंगे तो भी श्योर है, नीचे वाले हम जो है कम कह सकते हैं। लेकिन देखिए 85 में 86 भी आ गए, 87 भी आ गए, 88, 99, 89, मतलब 89, 90, 91, 93, 94, सब आ गए, आई बात समझ में। इतने नंबर तक बन रहे हैं आपके तो आप एचआई कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन ले लोगे। अब बात आती है मल्टीपल डिसेबिलिटी या SLD, यहाँ पर SLD भी होता है ना, कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। SLD का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, है ना, या स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, PMD में सारे आ गए, ये आपको बात ध्यान रखना, ठीक है, SLD, MV, MD, है ना, 20 नंबर से मात्र इनके कम रहने वाले, गणित मैथ में देखिए साइंस मैथ में, है ना, गणित विज्ञान बहुत कम रहने वाली, 20 नंबर से लेकर 30 नंबर के बीच। यहाँ पर मैंने 10 नंबर का जो है फासला लिया है, ठीक है ना, ये थोड़ा मेरे हाथों से स्क्रीनशॉट हो गया था, फिर कोई बात नहीं, 20 से लगाकर 30 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप 2 गुना में, और 30 से लगाकर 35 नंबर तक, 35 नंबर तक, 20 से लगाकर 35 नंबर आपके बन रहे हैं तो 2 गुना और फाइनल दोनों में हो जाएगा, 35 नंबर आपके चाहिए ही चाहिए, किसमें,
लेवल टू साइंस मैथ में। अब आ जाते हैं सबसे जो कैंडिडेट आजकल भरे पड़े हैं और सबसे ज्यादा जिनकी चिंता है वो है एलडी की डिग्री, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसऑर्डर, चलन निश्चितता। जो एलडी की डिग्री से दिव्यांग आते हैं उनकी की डिग्री कर यहाँ पर हम बात करें, थोड़ा से मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि हमें एलडी की ही बात करनी, तो अच्छा दिखेगा आपको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा इसे मैं इसे ऊपर ले लेता हूँ, ओके अब अच्छा रहेगा, थोड़ा काला भी कर देता हूँ। एलडी की डिग्री क्या है यार, लोकोमोटर डिसेबिलिटी अगर जहां तक हम बात करें तो 170 नंबर, कितने नंबर, 170 नंबर चाहिए जी किसी भी हालत में, 100 नंबर 70 से लेकर 175 साइंस मैथ में यदि आपके बन रहे हैं तो आप दो गुना में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और 175 से लेकर, क्यों हमें तो इससे मतलब है ना, हमें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ी ना करवाना है, हमारी पहली प्रयत्ता क्या है, हमारी वैधता डॉक्यूमेंट थोड़ी ना है, हमारी वैधता दिए वाली फाइनल चले लेना। तो 175 से लेकर 182 नंबर जिसके बन रहे हैं वो फाइनल सिलेक्शन है, गणित विज्ञान का टीचर बन चुका है जिसके 182 तक नंबर बन रहे हैं इस सब्जेक्ट से। तो अच्छे तरह से जान लिया आपने, आप अपनी की डिग्री हिसाब से अनुमान लगा ले आप कितने नंबर आ ले, आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिख सकते हैं कि मेरे इतने नंबर साइंस में आ रहे हैं, ठीक है ना साथियों। तो देखिए एक सटीक एक छोटा सा विश्लेषण है और कुछ नहीं, नॉर्मल संश्लेषण है और कुछ नहीं, बस इसे कम भी रह सकते और ज्यादा भी रह सकते, लेकिन अधिकृत मैंने अनुमानित ये बता दी। अब कितने क्या रहेगा ये तो इस सप्ताह पता चल जाएगा, लेकिन ये था वीडियो, कैसा लगा आपको आप जरूर बताइए, आप कितने नंबर बन रहे ये भी जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।